हेलो एवरीवन, आई एम बी कुमार फ्रॉम ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं आज आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाऊंगा इस वीडियो में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आपको यह फिक्स हो जाता है कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में वॉइस से एक और दो नंबर ले आओगे, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाई डू यू टेल अ लाई। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का WH क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। व्हाई दिख रहा होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट। पैसिव वॉइस में एक बात याद रखना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो अ लाई यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। देखिए, वाई के साथ फर्स्ट ऑप्शन में वाई आ गया, वाई के साथ आना था हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसके लिए ए गलत हो गया। अब बी सी डी में देखिए आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, अलाई भी आया हुआ है, हमको चूज करना है बाकी। मतलब सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म होगा टोल्ड। देखिए, बी में अलाई के बाद बी दिया हुआ है और डी में बिंग दे दिया हुआ है और सी में टोल्ड बाई यू दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। इस सेंटेंस का सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैट इज ईटिंग द फिश। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसको पैसिव में बदलना है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं बनाने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताता हूँ। बी ई आई एन जी, बिंग वाला ऑप्शन खोजिएगा। देखिए, ए में बिंग नहीं लिखा, ए में बिंग लिखा हुआ है, बी में कहीं में बिंग नहीं दिख रहा है, सी में बिंग नहीं दिख रहा है, डी में बिंग नहीं दिख रहा है, इसलिए ए जो है सही होगा। और बी क्यों नहीं सही होगा बताते हैं। द फिश वाज दे दिया, यह पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, यह पास्ट में चला गया तो नहीं होगा। फिर एट देखिए, यह भी पास्ट में है और हैड ईटन दे दिया, यह भी पास्ट में, तीनों सेंटेंस पास्ट में है और मेरा जो सेंटेंस दिया हुआ है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल। मार्सा मतलब नोवेल पढ़ रही है, राइट। तो देखिए, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो अभी आपको मैं बताया हूँ बिंग वाला ऑप्शन खोजना है। ए में कहीं बिंग नहीं दिख रहा है, बी में बिंग नहीं दिख रहा है, सी में बिंग दिख रहा है और डी में बिंग नहीं दिख रहा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब एक क्यों नहीं हुआ बताता हूँ आपको, अ नोवेल वाज रीड बाय मार्सा लिखा हुआ है। देखिए, अपना जो सेंटेंस दिया हुआ है यह 2019 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया अभी क्वेश्चन है, अ नोवेल वाज दे दिया तो प्रेजेंट में, पास्ट में होगा नहीं। अब बी भी देखिए पास्ट में दे दिया तो प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं होगा और बिंग भी लगा हुआ नहीं है। अब डी में देखिए, यहाँ पे अ नोवेल मस्ट रीड बाय मार्सा, तो यहाँ पे मतलब ये भी गलत है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, राइट। बिंग वाला ऑप्शन खोजना है, मारना है, सही का टिक लगाना है और रीड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है, रेड उसको पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट है, द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। कोई लड़का है, मतलब लड़का ट्री पे चढ़ रहा है, तो इसका देखिए, इसको भी बिंग वाला ऑप्शन खोजना है। देखिए, ए में बिंग दिख रहा है, ठीक है, बी में बिंग नहीं है गया, सी में बिंग दिख रहा है, तो बिंग वाला को ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है, डी में बिंग नहीं है, बिन है, तो डी और बी तो ऐसे ही गया और ए और सी में फैसला करना है। तो ए में देखिए, द ट्री इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो यहाँ पे क्या बन गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। ए में देखिए, द ट्री इज बिंग क्लाइम्ड बाई द बॉय, ये सही है, ये सही है, ए नंबर सही है। और देखिए, सी क्यों गलत है, सो द ट्री वाज, अब देख बताइए, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है और यह पास्ट में लेकर चला गया, इसलिए यह सेंटेंस सी जो है गलत हो गया, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इज हरीश ड्राइविंग अ कार। क्या हरीश कार चला रहा है, यह जो सेंटेंस है यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यस्नो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यस्नो क्वेश्चन है या WH रहे, कोई मैटर नहीं करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका
ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा आकार। देखिए आकार यहाँ आपको बिंग वाला ऑप्शन खोजना है तो बिंग बी में ही है, बाकी किसी में बिंग नहीं लिखा हुआ, तो बी इज द राइट आंसर। अब बाकी देखिए इज ड्राइविंग, यहाँ पे इज के बाद वर्ब नहीं मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया, और सी में भी वैसे ही है और डी में भी वैसे ही है, इसलिए यह सेंटेंस सी बी इज द राइट। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सबों को इस चैनल पर एवरीडे वेलकम है, राइट।